यहाँ पर हम चन्नी साहब के साथ जा रहे हैं, सीएम साहब के साथ राजपुरा। और ये देखें आप, ये उनके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। और चन्नी साहब, आपको इससे कोई फर्क पड़ता है? ये काले झंडे दिखा रहे हैं आपको? नहीं, ऐसा है कि ये काले झंडे दिखा रहे हैं, मैं अब इनको मिलकर आऊँगा। अभी जाएंगे आप मिलने? अभी मिलने जाऊँगा, ये शांत हो जाएंगे। अरे मिलने से क्या है, मेरे लोग हैं। अब बीजेपी ने भड़काए हैं इनको, भड़का कर यहाँ खड़ा किया है। पता नहीं बेचारे कहाँ कहाँ से लेकर आए नहीं, इनको। लेकिन ये सिक्योरिटी के लिए आपके लिए ठीक से? मेरी सिक्योरिटी को कुछ नहीं होता, मुझे कोई मारेगा नहीं। लेकिन ये लोग हैं जो, इनको मैं बता दूंगा कि यार क्यों उनकी बातों में आ रहे। पंजाब को इकट्ठा रखना है, पंजाब को इकट्ठा लेकर चलना। चलो देखें जरा क्या बोलते। बीजेपी उनके खिलाफ विरोध कर रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता। और ये चन्नी साहब, एक मिनट सर, एक सेकंड, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। चन्नी साहब यहाँ पर इनसे बातचीत करते हुए, मसला है कोई गल नहीं। बेनती सुनो, एक असि तुहानू सवाल पूछने आ पंजाबी होने दे नाते। प्रधानमंत्री अपने सारे प्रधानमंत्री सुनो, एक मिनट सुनो यार, बोलन दो, बोलन दो, बोलन दो, बोलन दो, बोलन दो। मैं कल सुनो यार, ऐदा नहीं, कल भी मैं बयान दिता कि प्रधानमंत्री पर गोली चलेगी, पहला मेरी छाती पर आएगी। इस करके ये अपने सारे दे प्रधान उन्ना दी जड़ी सुरक्षा चड्डी वड्डी चूक होई है। मैं कहंदा जी, मैं कहंदा जी, प्रधानमंत्री पर कोई गोली चलेगी सब तो पहला मुख्यमंत्री आएगा। सुनो, पंजाब दा माहौल अपना ठीक रखना। जेड़ा अपना रंगला पंजाब सी ना, आज भी रंगला रहेगा। सर आप ऐसे जाके मिलते हैं, आपको डर नहीं लगता सिक्योरिटी को? अरे क्यों, अपने आदमी हैं ये लोग, इनको उन्होंने भड़का लिया है, 10 आदमी 50 आदमी खड़े कर लिए हैं। ये इधर देखिए, और उस चंग के बाद यहाँ पर देखें, ये एक उनका यहाँ पर फोटोज ले रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं, ये पूरा चंग आप देख रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, ये हमें नहीं पता था विरोध कर रहे हैं, काले झंडे, साफ बीजेपी के झंडे यहाँ पर दिख रहे थे, आप उनके बीच में चले गए? अरे वो 20-50 हमारे ही सूबे के आदमी हैं, उनको पता है कि आज मैंने यहाँ आना है, तो बीजेपी ने यहाँ इनको 50 आदमियों को प्लांट कर दिया है और काले झंडे मुझे दिखा रहे। तो मैंने उनको बताया कि भैया सिस्टम सही रखना है, अपनी स्टेट में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बाहर के आदमियों की ज़्यादा मानकर नुकसान ना करो। ये अल्टीमेटली यही बीजेपी करना चाहती है पंजाब में कि यहाँ अराजकता फैल जाए। यहाँ आपने यहाँ मैंने देखा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, एक चीफ मिनिस्टर जो कि इतने सेंसिटिव स्टेट में, उसको कोई डर वर नहीं लग रहा है यहाँ पर? ये सेंसिटिव स्टेट है, सेंसिटिव प्यार में है, प्यार के भूखे हैं हम लोग। ये लड़ाई और मारकटाई वाले सूबा नहीं है, यहाँ स्टेट में कोई लड़ाई और मारकटाई नहीं है। ये जो लोग खड़े थे बीजेपी के झंडे लेकर, ये भी मेरे हैं, मैं उनको इसलिए मिला हूँ जाकर कि भैया दिल्ली से जो मैसेज आया है, ठीक है आप झंडे दिखा लो, लेकिन स्टेट की जो पीस है वो सही रहनी चाहिए। बीजेपी का मंसूबा है कि मेरी स्टेट को खराब करें। अपने दर्शकों के लिए एक बात ऐड करना चाहता हूँ, मैं चन्नी साहब के साथ राजपुरा रैली में जा रहा हूँ, और आप यकीन मानिए मुझे रास्ते में उतरना है, हम एक पॉइंट देख रहे थे जहाँ उतरना है, तो हमने बीच में देखा उनके खिलाफ विरोध हो रहा है, काले झंडे और बीजेपी पार्टी के झंडे हैं। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि रुको रुको, मैं इनसे मिल के आता हूँ। मुझे हैरानी हुई कि वो मिलने कैसे जाएंगे इनसे, कि ये मतलब कुछ भी हो सकता है, बट वो मिल रहे हैं। सर एक बात मुझे बताइए, क्या आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद उस दिन भी अगर ऐसा होता तो शायद हालात इतने बार अलग नहीं होते? अरे वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जान को खतरा कोई नहीं था और ना ही है पंजाब में। हाँ एक प्रोटेस्टर हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम है, उसको हल कर देना है, और कोई प्रोग्राम प्रधानमंत्री का रोड पे आने का नहीं था। उन प्रोटेस्टकारियों को पता ही नहीं था कि यहाँ से प्रधानमंत्री भी गुजरेंगे, वो तो जो बीजेपी की रैली में जा रहे थे लोग, उनका विरोध कर रहे थे। इसलिए ये धारणा बनानी हिंदुस्तान में कि जी पंजाब में कोई लाइफ को थ्रेट हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। यही मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप मेरे साथ पंजाब में आए हो, आपने देखा है, मैं प्रोटेस्टकारियों से मिला हूँ, वो मुझे मारने थोड़ो आए हैं, वो बीजेपी की बात रखने आए हैं।
जो बीजेपी करना चाहती है पंजाब में वो उनके काले झंडों से दिख रहा है। मैंने कहा ठीक है यार, लेकिन ये भी हट जाएंगे अभी जब मैं वापस जाऊंगा, जो दूसरे लोग इतने खड़े हैं उनको बताएंगे नहीं अपने पंजाब में गड़बड़ नहीं करनी, ये भी घर चले जाएंगे। आटे में नमक मिल जाएगा आप कह रहे हैं, नमक में आटा नहीं है, यहाँ है ही नहीं है बीजेपी कोई, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से ले आकर खड़े किए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए आपका, धन्यवाद भैया।